जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉब प्लेसमेंट 100% मुकेश कुमार में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक बार फिर अतिथि शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। छतरपुर जिले के अतिथि शिक्षक आप देख सकते हैं सड़कों पर उतर चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय को एक बार फिर से ज्ञापन सौंपा है। 2 सितंबर 2024 को हम देख सकते हैं अतिथि शिक्षक सड़कों पर उतर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों की मांगें हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2023 में यानी 2 सितंबर 2023 में आप देख सकते हैं घोषणा की थी कि अतिथि शिक्षक का जो कार्यकाल 1 वर्ष का रहेगा अनुबंध और 50% शिक्षा भर्ती में बोनस और उनको प्रति वर्ष के हिसाब से 20 अंक और सबसे बड़ी बात थी कि विभागीय परीक्षा कराई जाएगी, चाहे वो टेट पास हो या टेट पास ना हो, सभी की परीक्षा आयोजित होगी, उनका कैडर बनाया जाएगा। तो लेकिन ऐसी कोई भी डिमांड पूरी नहीं हुई, केवल वेतन मान डबल हुआ। इसके उपलक्ष्य में अतिथि शिक्षक संघ ने साथ ही आम अतिथि शिक्षक ने ज्ञापन दिया है। आप देख सकते हैं कलेक्टर महोदय को माता की अभी तो